जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले सर कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कंपेरेटिव बैलेंस शीट या कॉमन साइज बैलेंस शीट, जो कि आपके एग्जाम में 3 मार्क्स की गारंटी डेफिनेटली इनमें से एक चीज आने वाली है, चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है। तो आप चाहो तो सिर्फ कंपेरेटिव सीख लो, चाहो तो सिर्फ कॉमन साइज सीख लो, और आपका मन है तो आप दोनों सीख लो। एक ही क्वेश्चन की मदद से मैं पूरा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट आपको सिखाने जा रहा हूं, जिन जिन चीजों में जो जो दिक्कत रहती है, चेंज इन स्टॉक को लेकर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स को लेकर, अदर इनकम से रिलेटेड लेकर, सारी बातें मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करूंगा। क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा, इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। मुझे यहां पर रेवेन्यू दिया है, परचेज दिया है, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन स्टॉक दिया है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस, अदर इनकम, टैक्स रेट। इतने आइटम्स को मुझे किस तरह प्रेजेंट करना है, फटाफट से साथ के साथ क्वेश्चन करते जाओगे तो यही सीख जाओगे, और जब 23rd को आपका एग्जाम होगा तो आपको ये बातें वीडियो वाली सारी दिमाग में याद रहेंगी, अगर आप साथ के साथ क्वेश्चन को करोगे। फटाफट से पेपर पेन निकाल लो, और आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है यहां पर। सबसे पहले दोस्त यहां पर्टिकुलर, जैसा वहां पर्टिकुलर लिखा है ऐसा यहां लिखना है। क्वेश्चन में 2018 और 2019 का डेटा दिया है, अगर आपको 19 इधर 18 इधर देता या 17 इधर 16 इधर देता तो भी आपको हमेशा प्रीवियस ईयर पहले, मतलब जैसा मैंने क्वेश्चन एग्जाम में आपको प्रेजेंट करना मैंने वैसे दे दिया है, बट अगर यहां पर प्रीवियस ईयर की जगह करंट ईयर और करंट ईयर की जगह प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल का डेटा बाद में दिया और नए साल का डेटा इस साल का डेटा पहले दिया है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें प्रेजेंट हमेशा पिछले साल वाला पहले करना है और नए साल वाला बाद में करना है। ये प्रेजेंटेशन होती है दोस्त, आपको इसी तरह प्रेजेंट करना है। कौन सा स्टेटमेंट बना रहे, ऊपर नाम लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट एक जैसे हैं, सिर्फ 2 कॉलम का फर्क है। कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट, इसका नाम है कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट, जो भी कोई कंपनी होगी उसका नाम लिख देना, लाइक एक्स वाई जेड लिमिटेड। पर्टिकुलर 2018-2019 जैसा है वैसा छाप दिया है, क्योंकि कंपेरेटिव बनना है तो एक कॉलम आएगा दोस्त चेंज का, चेंज मतलब 19 में से हमेशा 18 को माइनस करेंगे, चाहे आंसर पॉजिटिव में आए या आंसर नेगेटिव में आए या नेगेटिव को माइनस करके ज्यादा पॉजिटिव में आए। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो बात और डीपली समझेंगे। हमेशा नए साल में से पुराने साल को माइनस करना है, उसको बोलेंगे चेंज, और इसी चेंज की निकालनी है परसेंटेज, उसे बोलेंगे परसेंटेज इन चेंज। ये काम आपको यहां पूर्ण रूप से करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सबसे पहले पर्टिकुलर्स का कॉलम जैसा है वैसे लिख देना है, देन 2018 का मतलब प्रीवियस ईयर, देन करंट ईयर, देन चेंज, और देन परसेंटेज इन चेंज। ये सारे काम आपको यहां करने हैं। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लो, क्वेश्चन में आपको चीजें ऊपर नीचे दे सकता है, मतलब जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहां दे रहा है, अदर इनकम यहां दे रहा है, अदर इनकम हो सकता है यहां दे दे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हो सकता है यहां दे दे। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ऊपर चाहे कंपेरेटिव हो या कॉमन साइज हो, इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है दोस्त इनकम ऊपर एक्सपेंसेस नीचे, ठीक है, इनकम्स ऊपर आएंगे यहां पर और एक्सपेंसेस नीचे आएंगे, ये हमारा इनकम स्टेटमेंट बोलता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप ऊपर लिखेंगे, इसमें आप ऐड करेंगे अदर इनकम, अगर क्वेश्चन में नहीं है तो ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, अदर इनकम लिखकर डेड डैश छोड़ देंगे, अदरवाइज आप अदर इनकम ढूंढेंगे। ये रखिए जैसे यहां पर 50,000 1 लाख की, चाहे यहां लिखियो चाहे यहां लिखियो चाहे बीच में कहीं लिखियो चाहे लास्ट में लिखियो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फॉर्मेट के हिसाब से साथ के साथ तभी बोल रहा था मैं क्वेश्चन करोगे, क्योंकि चीजें जो है माइंड में रिटेन हो जाएंगी, आज पढ़ोगे कल क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस करोगे और 23 को एग्जाम दोगे, डेफिनेटली पूरे में से पूरे आएंगे 3 में से 3 नंबर आपके। अदर इनकम चाहे क्वेश्चन कॉम्पेरेटिव का हो या कॉमन साइज का हो, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है दोस्त, अदर इनकम आपको कहीं से भी ढूंढ कर, सर अदर इनकम की जगह इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, डिविडेंड रिसीव्ड हो, रेंट रिसीव्ड हो, सर वो भी हमारी अदर इनकम्स का पार्ट होते हैं, हम उनको भी यहीं पर ऐड करेंगे। अदर इनकम्स या तो अदर इनकम्स बोलेगा या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कर बोलेगा आपसे। तो अब सिंपल सी कॉपी करना है, सिंपल 5 लाख हीरा 8 लाख हीरा, अभी चेंज वेंज की बात में करते हैं, सीधे सीधे डेटा ऑफ डाटा के इनपुट करना है। यहां पर अदर इनकम 50,000, यहां पर 1 लाख, तो यहां 50,000, वीडियो में जरूर हमें 15 मिनट लग जाएंगे क्वेश्चन पर, एग्जाम में आप 5 मिनट से भी कम में कर लोगे क्वेश्चन डेफिनेटली। 50,000 और 1 लाख, 5 लाख 50,000 रुपए यहां लिखेंगे आप, और 8 लाख और 1 लाख 9 लाख रुपए को आप यहां लिखेंगे। इसको बोलते हैं दोस्त टोटल इनकम, क्या बोलते हैं इसे, टोटल इनकम्स, इसको बोलते हैं आपको टोटल इनकम्स या टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल इनकम्स बोलते हैं, मतलब रेवेन्यू और अदर इनकम दोनों मिलाकर टोटल इनकम कितनी है 5। अगर सर अदर इनकम नहीं है पूरे क्वेश्चन में, ढूंढ ढूंढ के हम थक चुके हैं, तो डैश छोड़ देना या लिखना ही मत, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर, ठीक है, बट फॉर्मेट आपसे बोलता है अदर इनकम है तो लिखो।
आफ्टर दैट आप सिंपल चेंज का मतलब क्या होता है, हमेशा पूरे क्वेश्चन में सिंपल है। मतलब मैं सातवीं आठवीं क्लास के बच्चे को, फोर्थ फिफ्थ क्लास के बच्चे को भी सिखाऊंगा, बेटा इसमें से इसे माइनस करके यहाँ लिखता जाए तो वो भी माइनस कर लेगा। तो 8 में से 5 गए दोस्त 3 लाख रुपए यहां लिखेंगे, 1 लाख में से 50,000 गए दोस्त 50,000 यहां लिखेंगे, और देखो 3 लाख और 50,000 3,50, और 9 में से 5.5 गए तो भी 3,50। मतलब यू जोड़ कर लाओगे तो भी उतना आएगा, और यू माइनस करके आओगे तो भी उतना आएगा। अगर उतना आ रहा है इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन सही है, और उतना नहीं आ रहा है इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन गलत है। नेक्स्ट है परसेंटेज इन चेंज में आप क्या करेंगे, तो परसेंटेज इन चेंज में 3 लाख को ऊपर रखेंगे, जो भी आपका चेंज आया उसे ऊपर, और पिछले साल के, इसलिए बोल रहा था पिछला साल पहले रखना, पिछले साल के डेटा को आप हमेशा नीचे रखेंगे। तो 3 लाख/5 लाख × 100, एक बार में कर कर दे सर, एग्जाम में अगर इस कॉलम में जगह ना हो तो हम नीचे कर करके डायरेक्ट परसेंटेज लिख सकते हैं, तो लिख सकते हो, मना नहीं है, एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा, बट इसको या तो यहां शो करना या नीचे वर्किंग नोट की तरह शो कर देना, कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज उसको लगेगा कि आप आगे वाले बच्चे से पूछ के पीछे से लिख रहे हो, ठीक है। इसलिए इसको जरूर लिख कर दिखाना, 3 लाख/5 लाख × 100 ये आएगा आपका, आई थिंक सारे जीरो से 5 से 30 कट गया 6 बार में, 0 कट गया, 60% आएगा आपका दोस्त परसेंटेज इन चेंज। इसी तरह आपके सारे परसेंटेज लिखने हैं। नेक्स्ट 50,000 ऊपर, अब कौन सा वाला नीचे रखूं, 1 लाख या 50,000? सर प्रीवियस ईयर का, अभी अभी तो बताया था आपने, 50,000/50,000 × 100 100% आएगा पूरा। देखो 50,000 से मेरी इनकम 1 लाख हो गई, यानी चेंज कितना आ गया, डबल हो गया, 100% का चेंज आया। देन 3.5 लाख को ऊपर और 5.5 लाख को नीचे × 100, सारे जीरो से 7×5=35, 5×7=35, 5×11=55, ठीक है, 700/11, 11×6=66, 4×11=33, 3×11=22, 8×63.27% कुछ आएगा अप्रॉक्स। सर कितने डिजिट तक हमें लगाकर छोड़ देना, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है, हर बार बोल रहा हूँ, इसमें से इसे माइनस, इसमें से इसे माइनस, इसमें से इसे माइनस, इस साल में से पिछली साल माइनस करोगे, चेंज में चेंज को ऊपर रखो, प्रीवियस ईयर को नीचे रखो, कॉमन कॉन्सेप्ट है, कोई भी टीचर आपको सिखाएगा, कोई नहीं सिखाएगा तो भी आप सीख जाओगे, एक क्वेश्चन मेरे साथ और एक क्वेश्चन खुद से करकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाल रखी, एक बार जरूर देख लेना, आपको ये एग्जाम में आराम से हो जाएगा। अब चलते हैं हम सर किसकी तरफ, पता है लेस करेंगे हम सारी चीजों को। लेस का मतलब क्या है, या जितनी भी चीजें, सिर्फ दो ही इनकम होती है, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक अदर इनकम। इनकम्स को ऊपर रख लिया, सारे एक्सपेंसेस को नीचे रखा। अब देखो परचेज ऑफ स्टॉक, स्टॉक खरीदने जाओगे खर्चा है, चेंज इन स्टॉक, ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करना एक खर्चा है, क्योंकि ओपनिंग हमारा एक्सपेंस होता है और क्लोजिंग हमारा एक इनकम की तरह ट्रीट होता है, 11th क्लास में देखते थे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस और टैक्स रेट, सभी खर्चे। सबसे पहले हम सारे खर्चों को ले लें, परचेज, चेंज, एम्प्लॉय बेनिफिट और फाइनेंशियल एक्सपेंस। सर अगर इनके अलावा कोई खर्चा दिया हो तो वो भी खर्चा ही है। यूजुअली मैंने कोशिश करी है इस क्वेश्चन में सारे खर्चे डाल दिए हैं आपके। देखो स्टॉक या तो परचेज से नाम से दिया होगा या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के नाम से दिया होगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट, लेबर चार्जेस, वेजेस किसी भी तरीके से दे सकता है, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस, इनके अलावा कोई भी खर्चा शायद नहीं देगा। इतना बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं आपके एग्जाम में, सिर्फ 2 या 3 पॉइंट वाला क्वेश्चन आएगा क्योंकि 3 नंबर का है। बट मैं सारे तरीके से करा दे रहा हूँ क्योंकि जो जो दिक्कतें हैं इनसे रिलेटेड, छोटे से बैक बेंचर से लेकर टॉपर तक, वो सारी दिक्कतें इस क्वेश्चन में, दिक्कतें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले परचेज ऑफ स्टॉक लेस करेंगे, लेस क्यों, क्योंकि ये खर्चा है। किसके में से लेस करेंगे, तो अभी टोटल में से ही लेस होगा। परचेज ऑफ स्टॉक कितना है दोस्त आपका, 3 लाख और 4.80, 3 लाख इधर लिख लिया डेटा इनपुट किया, 4.80 इधर, पहले पूरा डेटा लिख लो आराम से। देन चेंज इन इन्वेंट्री, ये भी आपका एक खर्चा है। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है दोस्त ओपनिंग में से जब मैं क्लोजिंग माइनस करता हूँ, मेरा ओपनिंग स्टॉक मानो 1 लाख था और क्लोजिंग स्टॉक 1.5 लाख था, तो माइनस का 50,000 आया। मेरा ओपनिंग स्टॉक 2 लाख था और क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख था, तो मेरा पॉजिटिव में 1 लाख आएगा। ओपनिंग में से क्लोजिंग जब जाता है उसे चेंज इन इन्वेंट्री बोलते हैं, तो पहली बार माइनस का 50,000 और दूसरी बार 1 लाख है। इसका मतलब है कि पहले वाले केस में ओपनिंग कम है और क्लोजिंग ज्यादा है, इसलिए माइनस में आंसर आया। दूसरे वाले में ओपनिंग ज्यादा है, क्लोजिंग कम है, इसलिए प्लस में आंसर आया। आफ्टर दैट एम्प्लॉय बेनिफिट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट, डेप एंड अदर एक्सपेंस, 40,000 और 50,000 यहां लिखना है। एम्प्लॉय बेनिफिट, डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंस, सर क्या लिखना है, 40,000 और 50,000। देन फाइनेंस एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंसेस सारे के सारे लिख लो। फाइनेंस एक्सपेंस 20,000 और 30,000,
सर अब इनका करना क्या, वही जो उन दोनों का किया आपने, ठीक है वही करना है जो उन दोनों का किया हमेशा। इसमें से इसे माइनस करेंगे, 480 में से 3 लाख गया दोस्त, कितना आएगा 1,80,000। 1 लाख में से 50,000 गया, आता तो 50 पर वो 50 खुद माइनस का है। मैंने 1 लाख में से 50 घटाया तो प्लस आता, पर वो 50 खुद माइनस का है तो 1 में से 50 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1.5 लाख रुपया। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। सर 1 में से 50 गया होता तो माइनस का आता, इसलिए मैं चेंज इन इन्वेंट्री चेंज इन स्टॉक को लाया हूँ, क्योंकि ये दिक्कत करता है कई बार स्टूडेंट को कि सर अल्टीमेटली हम माइनस करते तो माइनस नहीं आता, ये तो ज़्यादा आंसर आता है बुक में जब इलस्ट्रेशन देखते हैं। क्योंकि 1 में से देखो 2 रुपये में से 1 रुपया घटाऊंगा तो 1 रुपया आएगा, पर 2 रुपये में से माइनस का 1 रुपया घटाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा ना, उसी तरह है दोस्त। 1 लाख में से माइनस का 50 घटाया तो 1.5 लाख हो गया, 50 में से 40,000 घटाया तो 10,000, और 30 में से 20,000 घटाया तो 10,000। सिंपल है। देन आपको परसेंटेज इन चेंज निकालना है तो कैसे निकालोगे, 1.80 को ऊपर, 1.80 को ऊपर रखोगे, नीचे क्या रखोगे 3 लाख या 4.80, हर बार प्रीवियस ईयर रखना है दोस्त। 3 लाख इंटू करेंगे 100 का 60% आ जाएगा, 3 6 18, सारे जीरो से सारे जीरो उड़ा दिए, 3 6 18, ठीक है। नेक्स्ट ऊपर 1.5 लाख, नीचे कितना रखोगे 50,000 या 1 लाख, सर 50,000, सर ये तो माइनस का है, माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं है, इंटू कर देंगे 100 का, 300% स्टॉक बढ़ गया हमारा, 300%। 1,50,000 से कितना हो गया माइनस के 50 से 1.5 लाख, 300%। सर ये 200 300 500 कुछ भी आ सकता है, बिल्कुल आएगा यार। 40 से 50,000 ऊपर लिखोगे 10,000, नीचे लिखोगे 40,000, 4 जीरो से 4 जीरो ला दो इंटू 100, ये आ जाएगा 40%। 40 नहीं आएगा, 4 2 जो 8 25% दोस्त, 25% 4 2 जो 8 और 4 5 जो 20, 40 से 50,000 हुआ, 10,000 का चेंज आया, 10,000 ऊपर 40,000 नीचे। देन 20 से 30,000 हुआ, ऊपर 10,000 नीचे 20,000 इंटू 100, यह आएगा आपका 50%। इतनी परसेंटेज इन चेंज आपके कैसे कैसे निकालें, हर बार चेंज को ऊपर प्रीवियस ईयर को नीचे, चेंज को ऊपर प्रीवियस ईयर को नीचे, चेंज को ऊपर प्रीवियस ईयर को नीचे, चेंज को ऊपर प्रीवियस ईयर, इतनी बार बोलोगे समझ आ गया हमें। चलो अब सिंपल सा काम है हमारे, टोटल रेवेन्यू है दोस्त ये, और टोटल एक्सपेंस का ये कॉलम है। टोटल एक्सपेंस समझते हो मेरी बात को आप, टोटल एक्सपेंस आई होप समझ रहे होगे मेरी बात। सारे खर्चे है ना ये, मेरा स्टॉक, मेरी इन्वेंट्री, मेरी चेंज इन इन्वेंट्री, मेरा एम्प्लॉय बेनिफिट, मेरा डेप्रिसिएशन, मेरा फाइनेंस एक्सपेंस, सारे के सारे खर्चे जोड़ दिए, सारे खर्चे जोड़ो, 3 लाख, 3 40, 3 60, 3 60 में से 50 गए, ये माइनस का है दोस्त। देखो माइनस का, खर्चों में कोई खर्चा नहीं, इनकम है तो वो माइनस का हो गया है, तो यहाँ आएगा 3,10,000। 4.80 ये प्लस का है दोस्त, ये जैसे चेंज इन इन्वेंट्री यहाँ माइनस का था तो मैंने छोड़ दिया था, ये प्लस का है। मतलब तो सर सिंपल बोल रहे हो आप, चेंज इन इन्वेंट्री अगर पॉजिटिव है तो खर्चे की तरह जोड़ दो, और चेंज इन इन्वेंट्री निगेटिव है तो माइनस कर दो। हाँ ये खुद माइनस का है सर, इसको इधर नहीं ले जाओ, अरे नहीं नहीं भाई कंफ्यूजन नहीं करनी है, ऐसे ही करना है, ये सारे प्लस वाले प्लस करो, माइनस वाले को हटा दो। 3,40,000, 3 60, माइनस 50,000, 3 10, 4 80, कमेंट में मुझे बताओ जरा इसका कितना आएगा, 4 80, 5 80, 36 और 6 60, फटाफट कमेंट में बताओ मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, बताना जरा। 4 80, 5 80, 36, 6 60, एक बार जरूर कमेंट में बताओ टोटल करके। 1 80, 18 15, 33, 33 और 10, 43, 43 और 1, 44, नहीं नहीं 35, 3,50,000। देखो यार अभी गलती कर रहा था ना मैं, तो समझ में आ गया, 6 60 में से 3 10 जाएगा तो 3 50 आएगा। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, 3 50 को ऊपर रख लो, 3 10 को नीचे रख लो, सब खेल सा है बस इसमें, इंटू 100। सर इतना बड़ा आएगा कि नहीं, सिर्फ 3 या 4 पॉइंट वाला क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, 100 से ऊपर परसेंटेज आएंगे, निकाल के देख लेना आप। अब हम जब बात करते हैं सर इसका टोटल, इसका टोटल लगवाया क्यों, मेरी बात समझो, ये मेरी इनकम है और ये मेरा एक्सपेंस है, तो मेरे पास क्या आएगा, बचपन से सीखा है इनकम माइनस एक्सपेंसेस, सेल माइनस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्यों सर, क्योंकि मैंने अब तक टैक्स नहीं लिया, यहाँ पर क्या आएगा दोस्त मेरा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फर्स्ट माइनस सेकंड। 5 50 में से 3 10 गए, फ्री के नंबर है, फ्री के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, फ्री के नंबर है। 5 50 में से 3 10 गए 2 40, 9 लाख में से 6 60 गए, किस्मत से ये भी 2 40, 9 लाख में से 6 60 गए, ये भी 2 40, 2 40 में से 2 40 गए 0, ओ माई गॉड, तो यहाँ चेंज कुछ आएगा ही नहीं, ये नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि 0 / 2 40 इंटू 100 करोगे 0 ही आएगा आंसर। लेस करेंगे इसमें से दोस्त टैक्स, टैक्स कितना लेस करेंगे,
इस पर लगेगा टैक्स। कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है सर इस पर लगाए इस पर लगाए इस पर लगाए। टैक्स हमेशा प्रॉफिट पर लगता है, उस प्रॉफिट पर जिसमें से टैक्स माइनस नहीं हुआ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया कैसे, 1-2 फर्स्ट माइनस सेकेंड, रेवेन्यू माइनस टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। ओके, टोटल रेवेन्यू माइनस, एक ही क्वेश्चन इसलिए करा दिया ताकि आपको हर तरीके का कंफ्यूजन, चेंज इन इन्वेंटरी को लेकर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को लेकर, नॉर्मल वाली, अदर इनकम को लेकर, सारी दिक्कतें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, टैक्स रेट है आपका 40% पहले वाले में, तो 24.4 जा 96 और 24.5 जा 120। सर इतनी तेज कैलकुलेशन बिल्कुल रखनी पड़ेगी आपको भी। तो 120 में से 96 गए 24,000, यहाँ पर चेंज आया 24,000 डिवाइड बाई 96,000 × 100। बाकी देखो आप 240 में से 96 गए तो कितना आएगा, 10 में से 4 गए 6, 144,000। इससे बोलेंगे दोस्त प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपके 15 मिनट लगाए, वहाँ मुश्किल से 5 मिनट वाला क्वेश्चन आएगा। कोई 3 पॉइंट सिखा मैंने इसलिए सारे दिए ताकि कोई भी चीज़ से दिक्कत ना रहे, एक सिंगल क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाए। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे कंपेरेटिव कॉमन साइंस के, नई वीडियो देखिए तो अब देख लेना। 240 में से 120 गए बेटा 120 बचेगा, और ये 120 में से 144 गए माइनस का 24,000 हो जाएगा, और माइनस का 24,000 ऊपर डिवाइड बाई 144 × 100। इनकी परसेंटेज और निकाल कर आप देख लेना, तो ये ऑलमोस्ट 30 से 30 कट गए, 24 से 96 कट गया, 4 मारे 1 भाई शायद 25% आएगा ये, और माइनस का 16.66% आएगा ये। इतना काम आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन है कंपैरेटिव का, देन कंपैरेटिव की एक बैलेंस शीट बनवाऊंगा, एक कॉमन साइज की, कॉमन साइज की बैलेंस शीट। इन वीडियोस के बाद आपका पूरे कंपैरेटिव 3 नंबर फ्री के हैं, बता रहा हूं आपको, फ्री के 3 नंबर है। अगर एक साथ साथ क्वेश्चन कर भी लिया है आपने, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। एनपीओ कैश फ्लो स्टेटमेंट रिटायरमेंट डेट डिसॉल्यूशन के क्वेश्चन और आने वाले हैं।